स्टार्ट हो गया नो अनुभव। वे ज्यादा अच्छा जल्दी अच्छा उतार लिया तुमने, जॉयस्टिक वो भी गेट होता है। इधर आ जाओ, इधर इधर ये थ्री थ्री वाले कंपाउंड से। अबे यार ये चार्जर बग गया, वो बंदे हैं। अरे भाई बहुत प्लीज, ही। ओ रे 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 यही बंदे आ रहे भाई। अरे अबे खेलो भाई ना, इसमें क्या ही तू टेंशन, इसमें माइनस प्लस ओ में सारे ओ टेंशन होने वाला। मैं कहाँ गया, मैं ऊपर उतर रहा था, मैंने को नीचे फेंक दिया भाई। वाई पबजी भाई, ऊपर पीपी पाइजन देखा था यार। हाँ मिल ले गन दे ले गई, जान। मिल आई गई पीपी, सरप्राइज, पीपी मिल गई। ओ बैरल, अरे 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 तो बजे। मैं उठा ली। आई नीड अ ओए वेपन। बंदा हाँ इधर, ले ले ले। अरे गया। नॉक नॉक नॉक, रुक रुक रुक, मुक्के बजाऊंगा रुक। ओए तेरे टीममेट कहाँ है? ओए अरे तू कहाँ गया क्या बे? बहुत दूर हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो इसमें क्या दिक्कत है भाई, माइनस इन इसका कोई दिक्कत ओ इधर बंदा है टाकू, पे। मेरे मेरे राइट में। हाँ ये देखे देखे देखे। ओ ये तो बॉट लग रहा है मेरे को। हाँ ये तो बॉट है भाई। ओ ये मेरा ही किल है बे यार, मैं कहाँ गया? बॉट है, चल रहा है वो रहा। बंदा, ओए असली बंदा, असली बंदा, अरे तू तो बॉट कोई मार। और एक बंदा असली। ओपी, एक और गया, एक और यहीं कहीं था। एक और हर्ष आ गया, पीछे पीछे, अरे हर्ष आ गया, मारने दे उसको। चल कहाँ है वो भाई? एमो नहीं है, लेजेंड है। एमो दे ना इसकी, नाइन की। हाँ मिल गई वो। कार्निंटेड चली सामने, आ जा आ जा डाको। ओ ये भी बना, मर जा। चल आ जल्दी आ इधर। लेजेंड से हो, अरे यहाँ लेजेंड बॉट था, नहीं असली था वो। अबे नहीं, बंदा था, बंदा। मेरे पे बंदा, मेरे सामने लगा रहा। मैं बनवा, अबे तो तू फाइट मत ले ना, कवर कर रहे हैं हम लोग के लिए। ओके बॉट है, बॉट है। अबे भाई कितने बहुत है, कुछ एक भी तो बंदा बिन नहीं गन बचा। के क्यों भाग रहे भाई? बॉट बता ओए, बता बॉडी 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 सामने बंदा, रुक लेटने दे। मेरे सामने बंदे हैं, कवर मेरे, कवर मेरे, पीक मत दे। नॉक 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 नॉक, एमो खत्म। इधर इधर नॉक किया, एमो खत्म, बिल्कुल एमो नहीं है। हमें एक ही लॉन्ग रेंज नहीं चला। नाइन के एमो दे, नाइन के एमो दे, नाइन के एमो दे। घंटा कुछ यार, तेरे पास बैरल थी ना? कहाँ बैरल थी मेरे पास भाई? ये देखे देखे किसको मार रहे बैरल हैं थी? चुप। अरे किल चुरा लिया यार, कैसे गंदे लोग है भाई ये। ये देखते देखते ही यहाँ, ये दूसरी गन कौन सी? शॉर्ट गन है भाई यार, मेरे पास दूसरी गन शॉर्ट गन है। आपके पास कौन सी है? ये लेजेंड, एक गन देना, एक गन देना लेजेंड। ओए ए जोन में, जोन में आने का, जोन में आने का। वो लेजेंड एक गन दे। अरे एमो नहीं, अरे भाई अलग ही भाई, भागो यहाँ तो। दिया दिया दिया, टैप टैप दिया भाई, करना पड़ेगा। टीम प्लाज्मा ओपी, यस सर, उसी के साथ खेल भी रहा हूँ। टीम प्लाज्मा ही तो, प्लाज्मा रिजॉर्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ जा आ जा आ जा, टॉप टॉप फॉर्म अप ऑन मी। इधर आ जल्दी आ इस पे। ओ भाई मैं जोन में कर गया। ओ एमो मिल गया, मजा आ तो मस्त मिल गया। नाइस वन, फिनिश कर फिनिश कर, पूरा डाल पूरा डाल। देख क्या होगा भाई, पीरो अनुभव भाई। और एक आप पे पीपी ले रहा है, आगे आपके घर में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है। अरे ये चिकन बोलती, चिकन बोलते ब्रो, कौन मार रहा है रे? ये मेरे एकेएम रिकॉइल ग्लिच। हाँ अरे सबका इसमें होता है जीरो रिकॉइल। माय हैकर 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 हैकर,
चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम लोग खेलो अब, ठीक है? बना आइसक्रीम्स नहीं क्या सर? है सर, बिल्कुल है। अभी आईडी पास आ जाएगा, थोड़ी देर में सबको दे दूंगा मैं आईडी पास। आइसक्रीम्स डेली है सर।
ओके गाइस, आई थिंक सभी को आईडी पास अब तक तो मिल ही चुका होगा। तो गाइस ज्वाइन कर लो रूम अपने अपने, जल्दी अपने स्लॉट पे आ जाओ। भाई स्क्रीम्स के दो मैच क्यों नहीं होते? सर स्क्रीम्स के दो मैच इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि 6:30 पे एक मतलब लीग चल रहा है, उसका स्ट्रीम करने के लिए मुझे बोला गया है, तो उसका स्ट्रीम करना होता है, इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच चल रहा है। ओके स्ट्रीम, आई थिंक 2 मिनट का डिले होगा।
ओके तो टीम प्लाज्मा यहाँ पे 4 मैन स्क्वाड हो चुकी है, टीम टीएसटी एंड क्रिटिकल फ्रेगर बीस्ट आर्मी 4 मैन स्क्वाड कंप्लीट करते हुए रॉक की भी हो चुकी है। बट अभी क्या है कि एनिफेक्स कार्नेज रॉक चीफ्स का स्लॉट लेके बैठे हुए तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है उनके लिए, बट जैसे जैसे स्लॉट भरता जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। क्यों चेंज नहीं किया सर? अभी रेंगली सर चलेगा सर कुछ दिन और, उसके बाद फिर अपन चेंज करेंगे, सेकेंड मैच में अपन चेंज करते हैं ना, बट अभी तो कुछ दिन ही रेंगली ही है। ये दिक्कत है सर। हेलो हाँ, जान रहा हूँ। तो कहाँ है ये? नहीं अभी क्या ऑनलाइन? ओ चल ठीक है, उसे करवा देना, काकी नंबर 1 का प्लेयर आया हुआ है। अबे चेंज कर दूँ? अभी सेकेंड मैच नहीं ना हो रहा अभी, इसीलिए रेंगल लगाना पड़ रहा है। अच्छा चल ठीक है, देखता हूँ। ओके तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर आ चुके हैं। बस सर स्टार्ट कर दे रहे हैं, 1 मिनट का टाइम और दो, उसको स्टार्ट हो जाएगा।
टीम नंबर 24 नहीं आई है, टीम नंबर 3, टीम नंबर 4। ओके एक बार देख लूँ, टीम नंबर 3 और टीम नंबर 4 है कौन सी टीम? टीम नंबर 3 TNFX एंड टीम नंबर 4 मेगा जी। ओके इस बंदे को किक आउट करना पड़ेगा ग्रुप से, क्योंकि हर बार ये किसी ना किसी का स्लॉट बर्बाद करता है ये। और टीम नंबर कौन सी है? टीम नंबर 24। टीम नंबर 24 माफिया की टीम है। ओके ये भी नहीं आई, चलो कोई नहीं, स्टार्ट हो चुका है मैच हमारा है। तो हमारे स्क्रीन पे ड्रॉप के माफी आते हुए, विच इज गेमिंग YT स्टार्ट का बहुत से स्टार्ट हो गया सर, आप स्क्रीन पे इतना टाइम आ रहा था बस हो गया। ओके प्लेन पाथ हमारा आ चुका है जोधपुर से मिलिट्री बेस की ओर जाते हुए, टोटल 23 टीम्स एंड 78 प्लेयर्स खेलते हुए। टीम नंबर 25, टीम नंबर 22। ओके बहुत सारी टीम, आई थिंक 7 से 8 टीम यहाँ पे उतर चुकी है और सारी टीम जोधपुर सिटी या जोधपुर के कंटेनर जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अर्ली फाइट हमें देखने को मिलेगा। टीम नंबर 3, टीम नंबर 7, टीम नंबर 10, टीम नंबर 25 और आई थिंक टीम नंबर 5 के पास टीम नंबर 10 के प्लेयर्स होंगे। टीम नंबर 7, टीम नंबर 25 कंटेनर जाते हुए, टीम नंबर 3 भी कंटेनर जाते हुए, और हम सभी को पता है कंटेस्ट उतनी अच्छी तो लूट मिलती नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाला है सभी टीम्स को और जल्दी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पे सीवी के पास एक डिजर्ट ईगल, अप्रीत के पास एक स्कारल एंड एक शॉट गन यूज़ करते हैं। ओके यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुका है, NFX हेलियोस नॉक होते हुए, UWH जार्विस भी यहाँ नॉक हो चुके हैं, तो हम लोग चलते हैं NFX की टीम पे। के क्रैंक यहाँ पे AKM से एक प्लेयर को नॉक करते हुए, अभी के लिए हेलियोस को रिवाइव मिल चुका है। ओके यहाँ पे बीस्ट क्रॉनिक, आई थिंक इट्स क्रॉनिक ओ सॉरी बीस्ट ओनिक्स यहाँ पे नॉक होते हुए NFX क्रैंक के AKM से। ओके यहाँ पे नेट बट यहाँ पे नेट रोक का वापस कुक कर चुके थे, बट फिर से वापस आते हुए NFX के कार्नेज यहाँ पे बीस्ट ओनिक्स यहाँ पे नॉक करते हुए, जेनेस डांटे SS अगली बॉय को नॉक करते हुए SS। ओके यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब SS के बाद, जो कि ये फाइट रोजोक में हो रहा होगा। जेनेस डांटे यहाँ पे दो प्लेयर को नॉक कर चुके हैं S12K से, उनके पास टीम नंबर 9 के प्लेयर्स, आई थिंक इट्स SS की टीम, बट यहाँ पे 3 मैन खेल रही थी ये टीम, अब 1 मैन पे आते हुए दो प्लेयर को यहाँ पे डांटे द्वारा नॉक एंड फिनिश किया गया है S12K से। ओके तो हम लोग वापस चलते हैं टीम नंबर 2 पे, जिनके पास टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 5 के प्लेयर, टीम नंबर 5 बीस्ट आर्मी एंड टीम नंबर 10 आई थिंक टीम नंबर 10 है SG की। एक बार फिर से हम लोग चलते हैं कंटेनर्स पे, जहाँ पे 3 टीम्स उतरी थी, टीम नंबर 25, टीम नंबर 3, आई थिंक टीम नंबर 3 का एलिमिनेशन हो चुका है।
यस, टीम नंबर 3 का एलिमिनेशन हो चुका है यहाँ पे। ओके, टीम नंबर 25 टीम नंबर 7 में फाइट होता हुआ। एनएफएक्स क्रैंक को बीस्ट थॉर के द्वारा नॉक कर दिया गया है एनएफएक्स ने A4 के टैप से बस्ट पे। सॉरी, अभी 21 प्लेयर्स एंड 21 टीम्स एंड 70 प्लेयर्स लाइफ। जब तक यहाँ पे फाइट हो रही है, हम लोग चलते हैं टीम नंबर 5 के पास, जिनके पास टीम नंबर 2 के प्लेयर्स हैं। टीम नंबर 5 के 2 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं, टीम नंबर 2 के प्लेयर सामने एनएफएक्स की टीम। टीम नंबर 2 एनएफएक्स की है। भाई शॉट आउट दे दे, हेमंत कुमार बिग शॉट आउट टू यू ब्रो एंड वेलकम टू माय स्ट्रीम। आपको रिप्लाई मिलने में भाई 2 मिनट का डिले होगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि स्ट्रीम स्नाइप रोकने के लिए चीज किया गया है। यहाँ पे थॉर के पास एक M16A4 और एक यूजी का यूज़ करते हुए, रेस क्रूगर, यहाँ पे स्कारल का यूज़ करते हुए। ओके, तो हम लोग चलते हैं वापस से टीम नंबर 25 पे, टीम नंबर 25 एंड टीम नंबर 7, जिनका फाइट काफ़ी देर से हो रहा था। ओके, यहाँ पे थोड़ा डैमेज भी करते हुए शेबी, टीम नंबर 7 बॉन्ग स्ट्रीम ऑफिशियल की टीम। यहाँ पे टीम नंबर 25 बेडरस की टीम, इसमें काफ़ी देर से यह फाइट हो रहा है, बट अभी तक कोई भी प्लेयर कहीं नॉक होते हुए नहीं दिखा हमें। बाकी अभी सारे टीम्स तो सेफ है। टीम नंबर 6 का COD फ्रॉस्ट वाइट काफ़ी अलग। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड फायर किया, बट कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता हुआ। ओके, BSS पे स्विच कर चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं। ओके, टीम नंबर 7 के प्लेयर से भी ट्रेड फायर आता हुआ, बट CB को कोई भी डैमेज नहीं किया। गाइज, अगर आप लोग मेरे स्ट्रीम पे नए हो तो यार प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। के यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं BR के CB। एक बार इनके हीलिंग्स पे भी ध्यान देते हैं, टीम नंबर 25 की BR CB पे कोई भी हील अप नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा फायर आता हुआ, बट कोई भी दिक्कत नहीं होता हुआ, CB आराम से निकल जाएंगे। अफरीद के पास भी सिर्फ और सिर्फ 5 बैंडेज हीलिंग के लिए, और नील के पास कोई भी हीलिंग नहीं है। किंग के पास भी, ओके, किंग के पास हेलमेट तक नहीं है, और बॉन्ग स्ट्रीम ऑफिशियल के प्लेयर बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं इनके। आई थिंक यहाँ पे किंग किसी वक्त नॉक होते हुए हमें दिख सकते हैं। ओके, BS जोकर को यहाँ पे नॉक करते हुए BR के किंग। अब पूरी की पूरी टीम एक साथ क्लोजिंग करना चाहिए। ओके, आई थिंक यहाँ पे कंटेनर के प्लेयर छुपे हुए होंगे। आई थिंक पूरी टीम को एक साथ क्लोजिंग करना चाहिए यहाँ पे। आई थिंक ओके, यहाँ पे टाइजन को भी नॉक किया जा चुका है, और इंडी प्लेस भी करते हुए दिखेंगे प्लेयर्स यहाँ पे। ओके, टीम नंबर 7 का आई थिंक पूरी तरह से एलिमिनेशन होता हुआ यहाँ पे। हम लोग वापस चलते हैं टीम नंबर 2 के करीब, जिनके पास टीम नंबर 3 एंड ये स्पाइट जॉर्जपोल सिटी का है। काफ़ी देर से दोनों टीम्स यहाँ पे होल्ड करके बैठी हुई है, टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 5। टीम नंबर 5 बीस्ट आर्मी यहाँ पे थोड़ा सा नेट गया था और थोड़ा सा डैमेज देता हुआ बीस्ट थोर को। ओके, हम लोग चलते हैं कार्नेज को देखते हैं, हमारे कस्टम में पहला मैच है। ओके, NFX क्रैंक यहाँ पे नॉक होते हुए बीस्ट थोर के यूजी से, यूजी वर्सेस यूजी होता हुआ यहाँ पे, और एक यूजी कार्नेज का यूजी यहाँ पे थोर को नॉक करते हुए जाएगा। ओके, यहाँ पे एक और इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए दिख सकती है टीम बीस्ट आर्मी, बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं रेस क्रूगर। अब क्लोज इन करते हुए यहाँ पे NFX कार्नेज। थोर गेमिंग ब्रो, हाउ आर यू, कैसे हो सर। ओके, टीम BS थोर यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए।
और सॉरी टीम बी एस फोर में क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 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 गाइस। के टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 13 के प्लेयर्स काफी करीब आते हुए, आई थिंक ये यहाँ पे ठंडक को यहाँ पे नॉक किया जा चुका है। प्लेयर है ये, ओके। और टीम नंबर 6 जीओडी यहाँ पे फ्रॉस्ट वाइटी को भी नॉक किया गया है, यहाँ पे फिनिश कर दिया गया पल्लव गेमिंग वाइटी के द्वारा। आई थिंक फ्रॉस्टर वाइटी यहाँ पे एक प्लेयर के साथ का नुकसान होता हुआ टीम सीओडी को, टोटल 18 टीम्स एंड 61 प्लेयर्स अलाइव। अभी के लिए हमें टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर आई थिंक 10 का फाइट देखने को मिल सकता है, दोनों टीम्स काफी करीब आते हुए। टीम नंबर 10 में एस जी यूनोमी, एस जी रिट्स ओपी, एस जी ड्रैगन रेट एंड सेंटी एफ टी डब्ल्यू। और वहीं टीम नंबर 2 पे है एनएफएक्स कार्डनेज, एनएफएक्स हेलियोस, एनएफएक्स उजी, एनएफएक्स क्रैंक एंड एनएफएक्स कार्डनेज हमारे स्क्रीन पे, बाकी के दो प्लेयर इनके। तो व्हीकल आने गए होंगे, चलो ठीक है। यहाँ से ये टीम रोटेशन लेना चाहेगी सर्कल की ओर, टीम नंबर 21 ड्रॉप लूट करके आते हुए। देखते हैं यहाँ पे किस प्लेयर के पास क्या है। रोको यहाँ पे डीपी 28 एंड M4 सेशन का यूज करते हुए, बर्बादी को तो अपन देख नहीं पाएंगे क्या ये, क्योंकि वो ड्राइव कर रहे हैं। के यहाँ पे कंपाउंड होल्ड करते हुए टीम नंबर 21 के प्लेयर्स, फिर टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 25 एक दूसरे काफी करीब पहुंचते हुए, दोनों टीम्स जोशपुर कंटेनर पे पहुंच चुकी है, सॉरी जोशपुर सिटी पे दोनों टीम्स जाती हुई। टीम नंबर 25 भी जोशपुर सिटी जाते हुए, आई थिंक टीम नंबर 10 के लिए गेट कीप कर रही है बहुत ही अच्छा। यहाँ पे एस जी यूनोमी को बी आर किंग यहाँ पे फिनिश करते हुए PP19 बाइजन से, PP19 बाइजन का बहुत ही अच्छा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे किंग। अब तक दो प्लेयर तीन प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हैं PP19 बाइजन से। के यहाँ पे BR से भी क्लोज इन करने की कोशिश करते हुए टीम नंबर 10 के प्लेयर्स पे, बट फिर से फॉल बैक कर लिए। बिल्कुल सही, अगर आप 100% का अगर कंफर्म ना हो कि आप एग्जिट करवा सकते हो किसी भी टीम को, तो फिर आपको कॉल बैक ही करना बेटर होता है, क्योंकि आप अपने प्लेयर्स को ईयरली फाइट में नहीं खोना चाहोगे, वो भी तब जब 18 टीम से अलाइव है। टीम बी एस और कैंपर, ओ बाय, तो हम लोग दोनों टीम से सर्कल में जाना चाहेगी। ओके टीम नंबर 2 आई थिंक जोन से फाइट कर रही है, पता नहीं क्या इनका स्ट्रेटेजी होगा। ओके टीम नंबर 19 टीम नंबर 11 भी काफी करीब जाते हुए दूसरे के, टीम नंबर 19 जो कि ब्लैक ऑप्स की टीम है वही टीम नंबर 11 को देखते हैं एक बारी। ओके DST की टीम, टीम नंबर नॉक होते हुए देख सकते हैं हमें। अफ्रीद को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया गया, रिट्स ओपी यहाँ पे नॉक होते हुए 2v2 का फाइट। ओके यहाँ पे नेड एक आया था और इसी के साथ आई थिंक एक और नेड आया हुआ है, दो नेड यहाँ पे था। शिव यहाँ पे नॉक होते हुए हम लोग, ओके यहाँ पे BR की टीम, बेडरस की टीम यहाँ पे 18th प्लेस पे एलिमिनेट होती हुई टीम नंबर 10 के द्वारा। SG के रिट्स ओपी को अभी के लिए रिवाइव मिल रहा है।
तो हम लोग चलते हैं टीम नंबर 21 पे, जो कि टीम नंबर 19 के बहुत ही करीब जाते हुए। यहाँ पे टीम नंबर 21 धीरे धीरे नजदीक पहुँचते हुए टीम नंबर 19 के, टीम नंबर 20 भी हमारे स्क्रीन पे आते हुए, जो कि ब्लैक ऑफ रेड्स यानी गर्ल्स लाइनअप। आई थिंक ये टीम 2-2 की स्पीड में चल रही है। ओके, टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 1 में फाइट होता हुआ। टीम नंबर 6 पल्लव गेमिंग, यहाँ FBXG को यहाँ पे नॉक किया जा चुका है टीम नंबर 21 के द्वारा। आई थिंक इट्स ओके, चेनस वुल्फ पे चलते हैं हम लोग। जेनेस डांटे आज बहुत ही अच्छा खेलते हुए अपने टीम के लिए 3 किल निकाल चुके हैं। टीम नंबर 19 के लिए यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करते हुए टीम नंबर 19 यहाँ पे सैंडविच पोजीशन में आते हुए टीम नंबर 12 और टीम नंबर 21 के बीच। ओके, टीम नंबर 21 के प्लेस टीम नंबर 12 के प्लेस के पास पहुंचते हुए होल्ड माय ग्रोजा के पास। ओके, यहां पे दिक्कत हो सकता है टीम नंबर 21 के प्लेस के लिए, बट यहां से इसलिए जैसे आए वैसे ही फॉल बैक करते हुए उसी और। ओके, टीम नंबर 20 के प्लेयर्स के तरफ जाते हुए जहाँ पे सिमी 2-2 एंड ब्लैक ऑफ रीड्स है हमारी स्क्रीन पे। ओके, इन पे आगे रोक दिया गया है गाड़ी। ओके, देखते हैं कि यहाँ पे सिमी 2-2 को, जो कि आज आई थिंक पहला दिन कस्टम खेल रही है हमारे कस्टम पे, पहला मैच होगा ये इनके लिए। यहाँ पे एक मॉली आ चुका है, ब्लैक ऑपरेट्स बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं यहाँ पे, किसी वक्त नॉक होती हुई दिखेंगे और नॉक हो चुकी है यहाँ पे ब्लैक ऑपरेट्स और पूरी की पूरी टीम का यहाँ पे पुश आते हुए दिखेगा यहाँ पे सिमी के ऊपर। सिमी भी बहुत ही ज्यादा डैमेज होते हुए। ओके, यार एक नेट आया डांटे, क्या नॉक हो सकते हैं इस नेट से, देखते हैं। ओके, यहाँ पे आई थिंक नहीं, बिल्कुल नहीं नॉक हुए हैं। टीम नंबर 2 NFX की और टीम नंबर 12 में फाइट होता हुआ। हम लोग NFX कार्नेज को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है NFX कार्नेज। ओके, यहाँ पे आई थिंक क्रैंक को यहाँ पे थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे क्या कर रहे हो। ओके, यहाँ पे कार्नेज नॉक होते हुए दिखेंगे। इसी का कार्नेज का ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि ओपन में हर बारी नॉक होते हुए दिखते हैं हमें और अपने टीम को यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज में डालते हुए। यहाँ पे हेलिस बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। अगर यहाँ पे एक नेट करते हैं उजी तो बहुत ही अच्छा होता, बट शायद इनके पास नेट नहीं है, वरना ये नेट का जरूर यूज कर रहे हैं, तो बैक किया जाएगा। ओके, टॉक्सिक कॉपी यहाँ पे के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हुए 1v1 और इसी साथ NFX की टीम यहाँ पे गिरजेश कुमार आखिरी प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए, इसी के साथ NFX की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। हम लोग चलते हैं टीम नंबर 12 पे ही, जो कि टीम नंबर 14 का इन पे आई थिंक पुश आ रहा होगा। टीम नंबर 12 के प्लेयर्स भी अपने आप को हील कर चुके हैं अच्छी तरह से, सारे प्लेयर्स फुल हेल्थ पे तो नहीं है बट अभी हो जाएंगे क्योंकि सभी ने पेन किलर और एनर्जी ड्रिंक लगा रखा होगा। टोटल 14 टीम्स एंड 45 प्लेयर्स अलाइव। ओके, यहाँ पे आई थिंक इट्स टीम नंबर 6 जो कि ड्रॉप लूट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे टीम नंबर 12 में टीम नंबर 14 काफ़ी करीब है, बट टीम नंबर 14 अभी तक क्लोजिंग नहीं कर रही है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, यहाँ पे फ्लेयर का बर्बाद करते हुए आई थिंक इट्स न्यूज़पेपर जिन्होंने फ्लेयर आसमान की जगह ज़मीन पर चला दिया है, आई थिंक जानिस को या NBD की टीम को थोड़ा सा परेशान करने के लिए। यहाँ पे माइंड गेम खेलते हुए टीम नंबर 12 के प्लेयर्स। ओके,
ओके, एक प्लेयर और बर्बाद करते हुए, पता नहीं टीम नंबर 12 के प्लेयर क्या ही कर रहे हैं। के टीम नंबर इट्स 12 निकलने की कोशिश करते हुए, बट बहुत ज्यादा फायर आता हुआ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा डैमेज लेते हुए यहाँ पे। ओके, टीम नंबर 22 का फाइट स्टार्ट हो चुका है, टीम नंबर 8 इनके पास है और टीम नंबर 12 के प्लेयर्स। ओके, टीम नंबर 8 के यूडब्ल्यू एल कैपिटल। ओके, और भी प्लेयर यहाँ से रोटेशन लेते हुए, डैमेज दिया है थोड़ा सुपरमैन को। ओके, बट यहाँ पे टीम नंबर 8 अंडरवर्ल्ड लीग की, जो कि यहाँ पे आसानी से निकलते हुए। ओके, और मैं देखना चाहूँगा क्या ब्लैक ऑप्स की टीम अभी भी है बने हुए या फिर वो एलिमिनेट हो चुकी। नहीं, टीम नंबर ओके, तीन प्लेयर के साथ अभी भी बनी हुई है टीम नंबर 19। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे डीएक्स नितिन, डीएक्स गोहान, एबीएस आईयू ओपी, डीएस कोकू हमारे स्क्रीन पे, टीम नंबर 22। टोटल 14 टीम्स एंड 44 प्लेयर्स अलाइव। तो यहाँ पर हमें मिनी मैप में तीन टीम दिख रही है, टीम नंबर 22, टीम नंबर 19 एंड टीम नंबर 12। टीम नंबर 12 होल्ड माय ग्रोजा की टीम एंड टीम नंबर 19 इट्स आई थिंक एनबीडी, सॉरी इट्स नॉट एनबीडी, इट्स ब्लैक ऑप्स के। टीम नंबर 15 एंड टीम नंबर 8 के प्लेयर्स भी काफ़ी करीब जाते हुए, बट जहाँ पे अभी ट्रेड फायर हो रहा है हम लोग वहीं देखते हैं। ओके, यहाँ पे टिन्नी मिनी का कार्न यूनिट का तमाचा आता हुआ है, डीएस गोकू को नॉक कर दिया गया है और इनका हेलमेट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, बट अभी के लिए तो इन्हें रिवाइव मिल जाएगा। ओके, टीम नंबर 15 के पास टीम नंबर 18 के प्लेयर्स पहुँचते हुए, टीम नंबर 15 का सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर बचता हुआ एसएस डोनिक वाइटी, बट ये प्लेयर अकेले वन मैन आर्मी है। ओके, टीम नंबर 18 के प्लेयर्स अभी डिस्प्ले हुए थे हमारे स्क्रीन पे और टीम नंबर 8 के प्लेयर्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। इनके जस्ट सामने में टीम नंबर 8 के प्लेयर्स है, टीम नंबर 8 जो कि फोर मैन स्ट्रॉन्ग है अभी, और टीम नंबर 18 टू मैन एनएफएक्स पर बादी। ओके, फोर मैन खेल रही है टीम भी, मेरे को लगा था कि दो ही बचे हुए हैं बट नहीं, फोर मैन स्ट्रॉन्ग है। टीम नंबर 21 डेथ एक्सेस स्ट्रोक की टीम, सर्कल छोटा होता हुआ और न्यू सर्कल हमें बनता हुआ दिखेगा अभी। अगर ये हार्ड शिफ्ट लेता है तो इसमें बहुत सी टीम्स बाहर जाएगी सर्कल के। टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 10 अभी भी सर्कल के बाहर और टीम नंबर 10 के जस्ट सामने से टीम नंबर 6 के प्लेयर जाते हुए, टीम नंबर 6 को स्प्रे होता हुआ यहाँ पे डैमेज हो चुका है टीम नंबर 6 को। ओके, टीम नंबर 6 के सीओडी शुभम यहाँ पे नॉक होते हुए, टीम रूपाली हमारे स्क्रीन पे। ओके, अपने टीम में एनपीडब्ल्यू को बचाने की कोशिश करते हुए, बट यहाँ पे स्मोक किया बट कोई फायदा नहीं होता हुआ। टीम नंबर 19 टीम नंबर यहाँ पे किंग रूपाली, पल्लव गेमिंग वाईटी, सीओडी सुबह एफटीडब्ल्यू, सीओडी पोस्टर वाईटी, पोस्टर वाईटी एंड सुबह एफटीडब्ल्यू यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। रूपाली और पल्लव गेमिंग से बचे हुए हैं यहाँ पे और इनके सामने में टीम नंबर 19 है जो कि थ्री मैन है और टीम नंबर 22 भी इनके टीम नंबर 19 के जस्ट बगल से जाते हुए। तो वो देखना चाहेंगे टीम नंबर 19 को क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, किस डिसएडवांटेज में है, क्या उनके साथ कौन सी टीम का फाइट हो रहा है। ओके, इनके जस्ट बगल में टीम नंबर 22 के प्लेयर्स, टीम नंबर 22 के प्लेयर्स आई थिंक दोनों टीम्स को पिन डाउन करके रखी होगी। ओके, यहाँ पे पल्लव गेमिंग वाईटी को यहाँ पे इजीली एलिमिनेट कर दिया गया है, यहाँ पे टीम नंबर 6 का एलिमिनेशन होता हुआ 13 प्लेस पे एचजी। ओके, यहाँ पे आई थिंक टीम नंबर 19 भी एलिमिनेट हो चुकी है। ओके, 13 प्लेस पे यहाँ पे टीम नंबर 19 ब्लैक ऑप्स की हुई थी और टीम नंबर 6 यहाँ पे 14 प्लेस पे। ओके, टीम नंबर 15 के प्लेयर यहाँ पे एसएस डोनिक वाईटी यहाँ पे फिनिश होते हुए दिखेंगे, फिनिश हो चुके हैं हमें। फिर टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 22 का फाइट होता हुआ, आईयूओपी बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं,
डीएस वहां से यहां से फायर आता हुआ बट ओके आयु ओपी को यहां पे नॉक कर चुके हैं एसजी के रीड्स ओपी बहुत ही अच्छा अब उन पे क्लोज इन करके उन्हें फिनिश करने की कोशिश करेंगे ओके फिनिश कर चुके हैं डीएस गोहान जो कि अपने टीम से स्प्लिट है तो उन पे अब क्लोज इन किया जा रहा है वादी के द्वारा ओके यहाँ पे गाड़ी से फिर बना दिया गया आई थिंक यस यहाँ पे एसजी को गाड़ी से ओके नहीं ये अपने इनके ही प्लेयर है तो गाड़ी से नॉक नहीं होंगे वहीं रोको न्यूज़पेपर को नॉक करते हुए ओके यहाँ पे जोन स्टार्ट हो चुका है आई डोंट थिंक यहाँ पे नेड आया था या स्मोक था ओके यहाँ पे नेड आया था डीएस गो क्यू आते हुए सामने रीड जोपी को यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज मिलता हुआ टीम नंबर 10 यहाँ पे किसी को एलिमिनेट होते हुए दिखेगी हमें ओके टीम नंबर 10 का एलिमिनेशन तो अब हम लोग सकते टीम नंबर 21 पे जिनका फाइट हो रहा था टीम नंबर 12 एंड टीम नंबर 11 से आई थिंक टीम नंबर 12 के प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा ओपन में पकड़े गए हैं यस मैं जिसकी बात कर रहा था टीम नंबर 12 के बहुत ज्यादा ओपन में आते हुए बर्बादी आज उतना अपने यार से ओके टीम नंबर 21 को दिखावे सर उसी को दिखा रहा हूँ टीम नंबर 21 टीम नंबर 11 टीम नंबर 12 और टीम नंबर 22 के लिए गेट कीप करते हुए टोटल 10 टीम्स अलाइव एंड 31 प्लेयर सर्कल काफी छोटा होता है ओके सर्कल एक हार्ड शूट ले चुका है और अभी भी बहुत सारी टीम सर्कल के बाहर है जिनके लिए टीम नंबर 21, टीम नंबर 18 एंड टीम नंबर 8 गेट कीप करते हुए देखिए टीम नंबर 22 का एलिमिनेशन होता हुआ एट द प्लेस 11 और आई थिंक इट्स टीएसटी की टीम से फाइट हो रहा है एनएफएक्स का डेथ एक्स स्ट्रोक के प्लेयर एनएफएक्स बर्बादी जेनेस डांटे जेनेस वुल्फ एंड रोको डीएस गोकू के द्वारा टिंडी मीनी को यहां पे नॉक दिया जा चुका है डीएस गोकू जिनके पास 3 किल है उनके सामने टीम नंबर 12 के प्लेयर है ओके यहाँ पे फायर थोड़ा सा डैमेज लेते हुए अभी के लिए हील करना चाहिए था बट ये फाइट किए ही जा रहे हैं ओके हील कर रहे हैं फर्स्ट एड लगा रहे होंगे ओके फ्री फायर करते हुए यहाँ पे आई थिंक टिनी मिनी को यहाँ पे रिवाइव मिल रहा होगा एक नेट कुक्ड हो चुका है देखते हैं क्या ये नेट कुछ कमाल दिखा पाता है आई थिंक ये कमाल दिखा सकता है न्यूज़पेपर पे ओके न्यूज़पेपर काफी डैमेज हो लेते हुए ओके गन यहाँ पे रिलोड पे गया था बट यहाँ पे टॉक्स यहाँ पे टॉक करते हुए यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे डीएस गोकू एट द प्लेस 10 यहाँ पे टॉक्सिक ओपी यहाँ पे ओके यहाँ पे फिर से चलते हैं टीम नंबर 21 पे सेंटर पे एकदम होल्ड कर रही है और बाकी टीम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए डीएसटी सुजुकी को यहाँ पे एनएफएस बर्बादी एकेएम की आयरन साइट बहुत ही अच्छा स्प्रे करते हुए के पीछे आई थिंक टीम नंबर 17 को स्पॉट किए होंगे यहाँ पे एनएफएक्स बर्बादी अगर स्पॉट करते तो बहुत ही इजीली एलिमिनेट कर सकते थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अकेला कवर है एनबीडी ओबिक्स यहाँ पे सीआरपीएफ रेक्स गॉड के द्वारा नॉक किए जा चुके हैं टोटल 7 टीम्स अलाइव ओके यहाँ पे टीम नंबर 9 सीएफएक्स हंटर यहाँ पे व्हीकल का यूज करते हुए यहाँ पे आई थिंक टीम प्लाज्मा का एलिमिनेशन होता हुआ एट द प्लेस 7 सीएफएक्स राणा यहाँ पे नॉक होते हुए न्यूज़पेपर एनएफएस बर्बादी को नॉक एंड फिनिश कर चुके हैं ओके यहाँ पे डांटे भी किसी वक्त नॉक हो सकते हैं यहाँ पे ओके डांटे यहाँ पे नॉक होते हुए
तो यहाँ पे वुल्फ का भी एलिमिनेशन होता हुआ, दांते यहाँ पे किसी तरह वहीकल ले जाने में कामयाब हुए। रोको यहाँ पे नॉक हो चुके अभी के लिए, तो आई थिंक रोको को रिवाइव दिया जा सकता है, बट इनके जस्ट सामने में पानी में टीम नंबर 17 है। ओके पानी में होने के कारण तो अभी रिवाइव दे देंगे टीम नंबर 17 राघव मिस्टर डैडी। आई थिंक इट्स टीम ओवरलोड। टीम नंबर 9 टीम नंबर 8 टोटल 5 टीम्स देखते हैं सभी प्लेयर्स को। टीम नंबर 8 फोर मैन स्क्वाड के साथ खेल रही है। बग्गी लेके टीम नंबर 8 के प्लेयर्स भी सर्कल में क्लोजिंग करना चाहेंगे, पर टीम नंबर 11 के प्लेयर के जस्ट पास। ओके टीम नंबर 11 को यहाँ पे लिमिनेट किया गया, टोटल 4 टीम्स एंड 12 प्लेयर्स अलाइव। टीम नंबर 21 पे जाते हुए टीम नंबर 8 के प्लेयर्स देखते क्या टीम नंबर 21 ये फाइट निकाल पाएंगे। ओके यहाँ पे जानते पे स्प्रे आता हुआ, यहाँ पे इजिली एलिमिनेट होते हुए देखेंगे टीम नंबर 17 के प्लेयर से। ओके स्मोक का वॉल हट चुका है, रोको नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डालते अपनी टीम से बचते हुए। यहाँ पे रोको को फिनिश कर दिया गया यूडब्ल्यूएल के कैप्टन के द्वारा। टोटल 4 टीम्स 10 प्लेयर्स अलाइव। टीम नंबर 4 टीम नंबर 9 सबसे स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है जो कि 4 मैन के साथ खेल रही है और इन पे सर्कल भी है तो बहुत ही अच्छा। ओके यहाँ पे शॉट लिया होगा और यहाँ पे डुप्लीट एल कैप्टन यहाँ पे नॉक होते हुए दिख सकते हैं। बियाडी का कवर बनाए हुए हैं यहाँ पे सेफ सराना नॉक होते हुए। यूडब्ल्यूएल कैप्टन को भी यहाँ पे फिनिश दिया गया है। टोटल 3 टीम्स टीम नंबर 21 के जेने डांटे यहाँ पे M249 के साथ कमाल दिखाते हुए, बट डांटे को यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ओके आई थिंक टीम नंबर 9 यहाँ पे चिकन डिनर ले जाती हुई जो कि है क्रिटिकल फ्रेगर विथ आई थिंक 5 किल। सेकेंड पे आई है अंडरवर्ल्ड लीग जो कि 8 किल के साथ है। थर्ड प्लेस पे आई है डेथ स्ट्रोक की टीम, आई थिंक इट्स इस टीम के पास है 11 किल। फोर्थ पे आई है ओवरलोड की टीम विथ 2 किल। फिफ्थ पे आई है टीम DST विथ 0 किल। सिक्स्थ पे आई है टीम होल्ड माई ग्रोजा विथ 7 किल। ओके और बाकी ये रहा हमारे स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। ओके गाइस तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे, आई मीन नेक्स्ट स्ट्रीम नहीं नेक्स्ट कस्टम पे जो कि आपका 330 पे स्टार्ट होगा। आईडी पास 330 पे टीम मेंबर्स को मिलेगा और आपका मैच स्टार्ट होगा 345 पे। ओके चूँकि PMLL का है पबजी मोबाइल लॉकडाउन लीग। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट कस्टम में, तब तक के लिए गाइज मैं अब 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ तो आप भी आओ।
ये सूट दे दे हमका ये दे 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 पूछा दे दे फुल सेट दिया ही फुल सेट था वही तो बेटे अबे यार अबे M416 दूसरी बार आ रहा है भाई मैच में अरे महेश कदम भैया किधर जा रहे हो तो घर में उतार रहा ना उतार उतार हॉट ड्रॉप जगह पे उतार हॉट ड्रॉप हॉट डॉग जगह पे उतारने का भाई हॉट ड्रॉप जगह पे सब उतरते मेरे को हॉट ड्रॉप हॉट डॉग नहीं चाहिए मेरे को हॉट कैट चाहिए मिलता है क्या गरम कुत्ता खा भाई तू गरम भिंडी अबे सामने उतर गया अबे बच्चा विंकी मिल गया गांडू का काय को अरे भाई अपने घर में उठने दे भाई पिस्तल भी नहीं मिली आएगा ए रुक तू मत मारियो अबे गन तो मार दे यार बॉल सही था अबे प्रो था अबे पता है अबे तू गन का आमो भी नहीं लेने दिया भाई ए इधर कार ही 98 है मेरे को ना ये तो स्टाइल का आमो दे दिया मेरे को भाई ये सेट मेरे को चाहिए था और इसने मेरे को दिया नहीं अभी तो मैं ही इसको मारूंगा अबे ना हम लोग का जी भी डीएम टू एनिमीज अहेड आ भाई हेल्प चल ए नहीं ए स्कोप है तो दिन कौन सा स्कोप है तेरे पास नेड कौन डाला रे कार 90 की कार 98 ऊपर भागो भाई हल्ला की है भाई मतलब ना काल का मां बहन करने से कहते हैं Warm up. Thank you. Wait. Wait. Thank you.
ahead. एक ही जगह पे तीसरा मैच Enemies ahead. यार उसका कैसा है
टन कर टन टन यस क्लासिक के लगाऊंगा अबे क्लासिक नहीं हो पाएगा इस पे मेरे को कस्टम करवाना है ना अभी पीएमएलएल वाला तुम लोग खेलो तुम लोग खेलो रात में खेलते हैं ठीक है अरे पीपी क्यों लगा रहे हैं कौन सा खेलोगे अरे रुको रुको कौन सा खेलना है अरे मैं जाऊंगा समझे अच्छा खेल लेते ना जल्दी से हां तो ये क्विक मैच खेल लो एक जल्दी खेलना है तो रात में खेल पाएंगे क्लासिक वगैरह जो पता है 7 जून को नया मैप 7 जुलाई को नया मैप आता रहेगा ना क्या फोर्टीन का बाहर है सीजन 14 ये भाई इस जुलाई मस्त है जुलाई देख इधर आ इधर इधर ऐसे पार तुझे पता है ना 7 जुलाई को नया मैप आने वाला लगता है हां ये रेंगर 2.0 ना अरे लिविक हां वो कहां पे लूंगा था उधर कहीं उधर ना जल्दी उतर जा ठीक है चलो नाइस रुक रुक अनुभव फाइट इसलिए रुको 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 गन नहीं मेरे पास तो एक गन मत करो गन मत करो यहाँ पे उजी है विदाउट आई आई गॉट सरप्राइज्ड ओके चलो चलो ये बैकपैक भी चाहिए यहाँ कुटे पाव जी अरे बैग क्यों चाहिए तुझे मार्क द लोकेशन इधर विसर ना चल 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 अब बंदे मारते अनुभव आपको क्या लगा अच्छा लगता है रोजा या एमपी फोर क्या जी ग्रो मेरे को दोनों ग्रोदर MT49 दोनों नहीं नहीं उन दोनों में से एक ही चूज कर अच्छा एक ही चूज कर सकते हैं MT49 ये तू चल अरे मैं तो ग्रोजा चूज करूंगा कि कल जब इसको सोलो भी स्क्वाड कर रहा हो तो और एमो क्या कहते हैं रीलोड मारना पड़ेगा तो डेंजर हो जाएगा भाई 100 गोली दे रहा है सोलो भी स्क्वाड करने के बाद उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगा अबे बैकपैक नहीं है रे यार ताने के लिए चलो ग्रो आप ही चलना इस पे और कितने होंगे बाकी भाई इधर भी बंदे दिखे मैंने भी मैंने एक मौका लगा टेंपर इसकी पेटी में आओगे अरे बैकपैक नहीं का किसी के पास भी मार्क द लोकेशन साला ऊपर चढ़ के मार रहा है मेरे को कैंपर देखते देखते ही यहां इसको क्या हो गया अच्छा ताको हां अरे इधर है बंदे ट्रिपल स्टोर है रेड बिल्डिंग यार ये छोटे पीक देना गया हो निकला हो रोजा का खाया है बॉडी अच्छे से हाय मेरे से गिरना तीन बॉडी खाया तीन जा आगे गया वो घर में बंदे एनिमीज अहेड वो घर में ग्रेनेड भी नहीं फेंकूंगा हाई ग्राउंड
मैं पी दे दे रही थी बॉट ही है बे तो बॉट ही है पर बंदे भी है यार। अरे एक ही बंदा बचा है यार जीरो के लग हट मेरे तीन है अनुभव तेरे तीन चलो जोन जाते हैं ऊपर है पूरा अरे घर में काम कर सकते हो अरे यहाँ पे कोई तो ले पीछे भी रह सकते हमारे मेरे घर में ही लग रहा है मेरे को नेल किट मेरे पे M24966 अबे नेल नहीं सीधा स्मोक है मेरे पास अभी मेरे पे तीन नेल इसको पैन करते हैं स्वयं इसको पैन करते हैं ये कौन किया पता नहीं मैं तो नहीं किया स्वयं नहीं किया पैन है स्वयं पैन करने का इधर तो है नहीं वैसे वो अरे यार मार दिया चलो मैं चला ज्वाइन करने बाय बाय ओके बाय गाइस लाइक दो भाई लाइक दो लाइक दूं ये लो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब अपुन का जगह कोई नहीं ले सकता इंस्पेक्टेड पे बैठे का मतलब बैठे का क्या बैठेगा ना ओके अब किसी का कॉल आ रही है इस बंदे को बहुत दर्द है बहुत दर्द यो हेलो क्या 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 कार्नेज किस पे बैठा है वैसे बोले तो किस पे बैठा है बिरो कार्नेज बिरो ठीक तो बैठा है भाई अपने स्लॉट पे अपने बंदों के साथ एनिफिक्स कार्नेज और अपनी सर ठीक तो है बे रंदे रंदे
सर टीम प्लाज्मा प्लेइंग और नॉट शायद टीम प्लाज्मा नहीं खेल रही है ब्रो शायद नॉट कंफर्म बट शायद नहीं खेल रही है टीम प्लाज्मा नहीं टीम प्लाज्मा तो नहीं खेल रही है सर हाँ हेलो हाँ बोल अच्छा ठीक है हेलो आ चुका अब मेरे इसमें मेरा कुछ नहीं है भाई ना मेरा रजिस्ट्रेशन है ना कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे को बैठ के इसमें बकचोदी काटना और कुछ नहीं हाँ मैं काय को करूँगा भाई जो करेगा वो करेगा मतलब जैसे ईगल का रूम है वो करेगा मैं काय को करूँगा हाँ ओके 64 बंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई 62 ओके व्हाट इज दिस नॉनसेंस हाँ दिस इज वेरी बेड आना जाना क्या ये क्या लगा रखा है भाई हेलो अबे यार एक बारी तू कॉल कर रहे एक बारी वो कॉल कर रहा है बस हो जाएगा छोड़ना अब हो जाएगा टेंशन मतलब हो जाएगा वो हाँ ओके मैच स्टार्ट हो चुका है सर स्टार्ट हो गया सर गायटुंडे भाई और गायटुंडे कैसा है
75 प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी हमारे स्क्रीन पे RNFK RTN अंश बता दूं अभी वाला ये रेंगल मैप होगा और रात में आई थिंक इट्स विकेंडी और सैनोक क्योंकि कल ही मेरा मार हुआ है तो मे बी विकेंडी हो या सैनोक हो आई डोंट नो ओके टोटल 22 टीम्स 75 प्लेयर और प्लेन पाथ ज़्यादा हुआ मिल्ड अप पावर से झारकी की ओर जिस बंदे को झारकी जाना होगा वो भी जा सकते हैं बट जो टीम्स मिलिट्री बेस या नोवो जाती है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आता हुआ काफ़ी दूर यहाँ से मिलिट्री बेस प्लेन पाथ से तो व्हीकल या कुछ ढूंढ के फिर उन्हें जाना पड़ेगा नोवो या फिर मिलिट्री बेस ओके टीम नंबर 3 आई थिंक इट्स टीम NPD ओके यहाँ पे NPD में एक न्यू प्लेयर आता हुआ बॉर्न टू विन BBOP आती हुई सॉरी इट्स आई थिंक इट्स गर्ल शी इज गर्ल ओके और वही टीम नंबर 20 टेक ऑफ स्ट्रीट्स ये गर्ल लाइनअप उनके पास टीम नंबर 13 के प्लेयर TXRS शर्मा एंड TXRS सीड के टीम नंबर 10 टीम नंबर 14 एंड टीम नंबर 12 टीम नंबर 14 टीम यमलोक जाते हुए मिल्टा एंड टीम नंबर 12 भी वहीं जा रही है ओके अभी एक बार देख लेते हैं टीम नंबर 10 को जो कि ब्लैक ऑप्स की ऑफिशियल लाइनअप ये टीम भी गई है मिल्टा के पास मिल्टा पे आई थिंक यहाँ पे 3 टीम से क्लस्टर बन चुका है तो अब देखते हैं कौन सी टीम क्या करती है टीम नंबर 18 फार्म पे गई है आई थिंक इट्स वो स्प्लिट लूट करना चाहेंगे थोड़ा टीम नंबर 16 एंड टीम नंबर 11 बहुत ही नज़दीक उतरते हुए एक दूसरे के यहाँ पे एरिक हमारे स्क्रीन पे ओके दो प्लेयर के साथ आई थिंक खेल रही है एरिक एंड टॉक्सिक एरिक किस प्लेयर को एरिक यहाँ पे नॉक होते हुए दिखेंगे इजी ड्रेस के द्वारा यहाँ पे एरिक को नॉक कर दिया गया है टॉक्सिक यहाँ पे इजी ड्रेस को नॉक कर चुके हैं अभी के लिए अपने प्लेयर को आके रिवाइव देंगे टॉक्सिक वहीं पर इजी फैंटम भी रिवाइव दे रहे होंगे इजी ड्रेस को ओके बहुत ही अच्छा टीम नंबर 25 एंड टीम नंबर 24 टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 6 जॉर्जपुल गई है जॉर्जपुल सिटी जाती है ये टीम्स वहीं टीम नंबर 21 एंड टीम नंबर 15 फिर से रोजॉक और इनका राइवल भी कंटिन्यू होता हुआ इजेट फैंटम यहाँ पे टॉक्सिक को नॉक करते हुए जेनेस गोल पे थोड़ा स्प्रे आता हुआ बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं इजेट स्पाइजर एरिक को नॉक करते हुए ओके फिनिश कर दिया गया है एक टीम का यहाँ पे एलिमिनेशन होता हुआ प्लेयर है टॉक्सिक एंड एरिक जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं ऐसे सगली बॉय जेनेस वुल्फ के पास कोई भी हीलिंग नहीं तो इनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या होगा कि इनके पास हीलिंग नहीं है और ये थ्री मैन खेल रही है एनएस बाद यहाँ पे नहीं दिख रहा है ओके यहाँ पे डॉनी वाइट का गलत फ्लैंक एंगल इसी साथ जेनेस वुल्फ किसी भी वक्त एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे हमें ओके गेट भी यहाँ पे ओपन नहीं तो अंदर नहीं जा पाएंगे इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए डॉनी क्वाइट के द्वारा जेनेस वुल्फ को ख़त्म कर दिया गया है कि यहाँ पे अगले बॉय भी यहाँ पे फिनिश होते हुए दिख सकते हैं हमें दो प्लेयर के साथ खेल रही है पता नहीं SS की टीम में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा क्योंकि ये टीम हर बारी 3 मैन और 2 मैन खेल रही है हर कस्टम पता नहीं क्या ही दिक्कत है ओके सिर्फ और सिर्फ डोनी को अपनी टीम से बचते हुए जो कि एक अलग फ्लैंक एंगल बना के बैठे हुए हैं वहीं लॉर्ड फॉर एंड टू ठाकुर को यहाँ पे फिनिश करते हुए ओके इनका फाइट टीम नंबर 23 से हो रहा है ओके यहाँ पे ठाकुर किसी वक्त नॉक होते हुए दिखेंगे ठाकुर 27 यहाँ पे नॉक हो चुके हैं एक और टीम का TG का यहाँ पे एलिमिनेशन होता हुआ एट द प्लेस 21 बाय टीम हॉक ओके यहाँ पे कर्म कांडी को ढूंढ स्पॉट कर चुके हैं लॉर्ड हॉक देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे ओके यहाँ पे आई थिंक कर्म कांडी भी यहाँ पे टीम नंबर 23 का एलिमिनेशन होता हुआ एट द प्लेस 20 बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे टीम नंबर 2 के द्वारा RNFK टीम ओके हॉक लियो टॉक्सिक यहाँ पे किसी और प्लेयर को नॉक कर चुके हैं देखते हैं इनका किस टीम से फाइट हो रहा था ओके टीम नंबर 6 इनका फाइट हो रहा है टीम नंबर 6 पोर डार्लिंग यहाँ पे ऑरा के यश ऑरा यश भी करते हुए आई थिंक NFX की टीम थी
और आई एस यहाँ पे ओनली सर्वाइवर बचते हुए अपनी टीम से आई थिंक, बिल्कुल सही, एक प्लेयर से बचे हुए हैं। इनके पास एक एनर्जी ड्रिंक मार लगा चुके हैं, इनके पास एक AKM और एक M16A4 है, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 1 का वेस्ट एंड लेवल 2 का बैकपैक। द किंग RFA दिखाओ ना ब्रो प्लीज। सर अभी उन्हीं का फाइट में दिखाया, वो टीम नंबर 2 का जो कि अभी जस्ट एक टीम को एलिमिनेट की है, टीम नंबर आई थिंक इट्स कौन सी टीम थी, अभी जस्ट वो एक टीम को एलिमिनेट की है सर, मैं दिखाया हूँ उनको, देखो अभी एक बार फिर से देख लो, ये देखो RFA डी विक्लर एस के वहाँ पे ईगल रूसी के द्वारा नॉक हुए हैं। ओके हम लोग चलते हैं ईगल रूसी पे, साइकोप यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं, टीम नंबर 5 का टीम नंबर 17 से फाइट होता हुआ, यहाँ पे नॉक होते हुए टीम के द्वारा, और आई थिंक OR जीनो सिर्फ और सिर्फ अपने सॉरी डॉक्टर जीनो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम से बचते हुए, इनके सामने टीम नंबर 17 जो कि 3-man है, देखते हैं डॉक्टर जीनो यहाँ पे क्या कमाल दिखाते हैं। सर अभी जो है ना आपके टीम नंबर 2 जो है बहुत ही अच्छा सेफ पोजीशन पे है, ठीक है, 7A में वो टीम होल्ड कर रही है अभी के लिए, और अभी टीम को एलिमिनेट किया है तो इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखा रहा हूँ अभी आपको, जहाँ पे फाइट हो रहा है ना मैं फाइट दिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों को फाइट देखने में ज़्यादा मजा आएगा ना सर, इसलिए आपकी टीम ओके टीम नंबर 5 के पास यहाँ पे टीम नंबर 17 के प्लेयर्स डॉक्टर जीनो, बट पता नहीं इनका फाइट कभी स्टार्ट होगा, आई थिंक जीनो यहाँ से फॉल बैक करने की कोशिश करते हुए अपनी टीम को प्लेस पॉइंट दिलाते हुए, बट यहाँ पे जैसे ही इनका पानी क्रॉस करते हैं तो इनके सामने टीम नंबर 8 के प्लेयर्स रहेंगे, टीम हॉक है जो कि एक्चुअली टीम लियो है उनका ओरिजिनल नाम, बट यहाँ पे हॉक सारे का टैग है। ओके यहाँ पे एक प्लेयर को स्पॉट किया बट यहाँ पे अपना पोजीशन दे बैठे हैं, वहीं पे इनके स्प्रे आएगा और ये नॉक होते हैं, डॉक्टर जीनो भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, विक्सन सिर्फ सिर्फ ओनली प्लेयर बचते हुए अपनी टीम से, विक्सन इनसे काफ़ी दूर, तो डॉक्टर जीनो यहाँ पे फिनिश डाउन फिनिश कर दिए जाएंगे। ओके विक्सन का आई थिंक कुछ नेट का इशू हुआ है इस वजह से वो ऑफलाइन है। ओके तो अब हम लोग चलते हैं टीम नंबर किस पे चला जाए, टीम नंबर 18 टीम नंबर 14 पे चलते हैं जो कि बहुत ही क्लोज है, टीम नंबर 18 और 14 इन दोनों में फाइट हमें देखने को मिल सकता है किसी वक्त। यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे, ओके बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं टीम नंबर 18 के टीम, ओके प्लेस ओपी यहाँ पे नॉक होते हुए, ये टीम मिस्टर है MR, मैं शॉर्ट में मिस्टर बोल जाता हूँ हर बार, बट आई थिंक इट्स इनका कुछ और ही फुल फॉर्म होगा, मिस्टर तो नहीं होगा। ओके तो टीम नंबर 18 टीम नंबर 14 होता हुआ अब चलते हैं टीम नंबर 21 पे जिनके काफ़ी करीब है टीम नंबर 11 के प्लेयर्स एंड टीम नंबर 15, टीम नंबर 15 के SS डोनिक YT आखिरी प्लेयर अपनी टीम से बचते हुए, आई थिंक ये वही सूट है जो अभी RP में रिडीम पे मिल रहा है, RP पॉइंट्स को आप रिडीम करके निकाल सकते हो। ओके टीम नंबर 12 किधर है, सर आपकी टीम नंबर 12 में दिखा रहा हूँ, टीम नंबर 12 ओके कल के सेकेंड मैच के विनर, टीम नंबर 12 टीम नंबर 12 नोवो रिप्नॉय, और अभी सर्कल में जाना चाह रहे होंगे ये टीम क्योंकि सर्कल स्टार्ट हो चुका है, ब्लू जोन स्टार्ट हो चुका है और सर्कल इनसे 1400 मीटर दूर, सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड का टाइम इनके पास। ओके तो हम लोग चलते हैं टीम नंबर 21 पे वापस से जिनके पास है टीम नंबर 15 के प्लेयर्स एंड टीम नंबर 11 के प्लेयर्स, एक बार टीम नंबर 11 को देखता हूँ। ओके टीम नंबर 11 4-man है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, गाइस कमेंट करने में बहुत एनर्जी लगती है तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब करो शेयर करो वीडियो को, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो। ओके टीम नंबर 8 के पास टीम नंबर 6 के प्लेयर आते हुए, टीम नंबर 6 आई थिंक और IS आखिरी प्लेयर पानी के रास्ते से बच के निकलने की कोशिश करते हुए अपने टीम को प्लेस पॉइंट के लिए, स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे और IS को क्योंकि इनके ओके आई थिंक एक ही प्लेयर आए होंगे क्योंकि इनके बाकी के प्लेयर तो दिख नहीं रहे,
ये बारी मैं ओवरऑल देखता हूँ यहाँ पे कौन सी एन एफ एस की टीम आई थिंक आज नहीं खेल रही है। ओके एन एफ एस की टीम खेल रही है बड़ी कौन से टीम से खेल रहे हैं पता नहीं। और अके यस के हम लोग चलते हैं टीम नंबर 10 पे जो कि टीम नंबर 18 के करीब पहुंचते जा रही है। ओके यहाँ पे ये लोग आई थिंक एक ही डांसे में चार प्लेयर यहाँ पे मूव रोटेशन ले रहे थे। नाइस थैंक यू सर गुड कमेंट थैंक यू भाई थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके टीम नंबर 22 आई थिंक उनके पास ही ड्रॉप गिरा है। ओके टीम नंबर 12 के प्लेयर आई थिंक ड्रॉप पे नहीं जा रहे हैं अगर जाते तो उनका फाइट हो सकता था टीम नंबर 22 से। टीम नंबर 12 के प्लेयर्स अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए फोकस है। टीम नंबर 12 में एच डी अशाइन विंटर वाइन जी वी स्पाइडर आर डी आर एल्ट्रॉन ओके कि ये लोग तो नहीं जा रहे हैं ये लोग सर्कल में जाना चाह रहे हैं। थोड़ी देर में हमें यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है। टीम नंबर 8 टीम नंबर 19 भी सर्कल में टीम नंबर 17 सर्कल में एंटर कर चुकी है। टीम नंबर 21 टीम नंबर 15 को सर्कल में एंटर करना है। टीम नंबर 20 को भी एंटर करना है जो 10 लाइनअप है। टीम नंबर 2 को भी सर्कल में एंटर करना है। टीम नंबर 9 को एंड टीम नंबर 13 को भी सर्कल में एंटर करना है। आई थिंक BJDS दिबॉय 2OP यहाँ पे स्काउट करना चाह रहे होंगे कुछ। ओके इनके पास एक वेक्टर UMP-45 टीम नंबर 21 एंड टीम नंबर 15 के प्लेयर्स। ओके ब्रो थैंक यू द किंग यलिया किंग। ओके डोनिक वाइटी डैमेज लेते हुए डोनिक वाइटी एंड रोको में फाइट होता हुआ बट यहाँ पे एक प्लेयर का एडवांटेज है टीम नंबर 21 के पास तो उसका एडवांटेज देखते हैं कितना उठा पाते हैं। जेनेट डांटे भी आते हुए ओके दोनों प्लेयर करेंगे यहाँ पे यूजी से यहाँ पे इजिली वाइप आउट कर देंगे टीम एसएस को और टीम नंबर है टीम एसएस का यहाँ पे 18th प्लेस पे एलिमिनेशन होता हुआ। अब हम लोग चलते हैं टीम नंबर ओके टीम नंबर 12 आई थिंक यहाँ पे ब्रिज कैंप कर सकती है टीम नंबर 22 के लिए। ओके टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 19 के प्लेयर्स काफ़ी क्लोज आते हुए आई थिंक ये दोनों जोशपुर सिटी का फाइट होने वाला है। यस बिल्कुल टीम नंबर 19 में NFX हेलियूज NFX क्रैंक NFX उजी एंड ओरा के पनिशर। आई डोंट नो कि सारे प्लेयर्स एक ही क्लैन के हैं और डिफरेंट क्लैन के हैं इसलिए ओरा के पनिशर मैं बोल रहा हूँ। एंड टीम नंबर 8 देख लेते हैं एक बारी टीम नंबर 8 है ओके टीम लियो जिसमें कि हॉक सेम XOP हॉक लियो टॉक्सिक हॉक JOR एंड हॉक XXTB के टीम नंबर 11 टीम नंबर 2 काफ़ी क्लोज आते हुए एक दूसरे के आई थिंक टीम नंबर 2 को यहाँ पर नॉक करके गिरा करते हुए दिखेंगे। ओके टैप टैप से यहाँ पे फिनिश कर दिया गया RTN को ओके इनकी वहीकल भी ख़राब कर दी जा रही है बट आई डोंट थिंक इनकी वहीकल ख़राब करने की ज़रूरत थी इससे अच्छा ये अपने वहीकल के लिए ये अपने पास ले आते तो इनको बाद में यूज़ हो सकता था। तो टीम नंबर 19 पे चलते हैं जिनके पास टीम नंबर 8 के प्लेयर्स है। ओके यहाँ पे टॉक्सिक को यहाँ पे स्पॉट किया है और यस यहाँ पे डैमेज लेते हुए सर्कल इनसे 900 मीटर दूर आने वाला बट यहाँ पे नॉक दे सकते हैं हमें। ओके लियो टॉक्सिक यहाँ पे नॉक होते हुए बहुत ही अच्छा NFX उजी पे ट्रेड फायर आता हुआ बहुत अच्छा टीम का कवर आता हुआ। टीम हॉक अपने हर एक प्लेयर को आखिरी सर्कल तक ले जाना चाहती है। टोटल 16 टीम्स अलाइव 52 प्लेयर्स अभी के लिए तो रिवाइव मिल रहा है। आई डोंट नो इतना दूर से क्यों
AGM का यूज़ किया, इनके पास कार 98 भी थी और इनके पास एक अच्छा स्कोप भी था कार 98 का यूज़ करने के लिए, तो आई थिंक उन्हें कार 98 का यूज़ करना चाहिए था। ओके, टीम नंबर 12 का फाइट स्टार्ट हो चुका है टीम नंबर 10 से। टीम नंबर 12 एंड टीम नंबर 10 काफ़ी करीब आते हुए एक दूसरे के। ओके, BZS दीप मिस्टर एसेसेंस यहाँ पे NBD को यहाँ पे नॉक कर रहे थे। NBD का फाइट आई स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं यहाँ पे B2 बेबी ओपी नॉक है। ओके, आई थिंक यहाँ पे ओबी सिर्फ और सिर्फ, ओके यहाँ NBD का एलिमिनेशन हो तो एट द प्लेस 15। तो हम लोग चलते हैं वापस से टीम नंबर 12 एंड टीम नंबर 10 पे। यहाँ पे एक नेट कुक हो चुका है, एक बार टीम नंबर 10 के प्लेस को देखते हैं कौन प्लेयर कहाँ पे है। ओके, सारे प्लेयर यहाँ पे एक अलग एंगल बना के बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं हम लोग प्लेस कौन प्लेयर कहाँ पे हैं। ओके, ब्लैक ऑप्स ईगल यहाँ पे आते हुए टीम नंबर 12 पे काफी क्लोज। ओके, 2v2 का यहाँ पे हो चुका है ब्लैक ऑप्स बाज, ब्लैक ऑप्स ईगल। ओके, बट यहाँ पे टीम नंबर 12 पे सारे प्लेयर आते हुए। ओके, GB स्पाइडर को यहाँ पे नॉक किया जा चुका है ब्लैक ऑप्स बाज के द्वारा, कर देंगे। ओके, ब्लैक ऑप्स ईगल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं विंटर वाइन के द्वारा। ओके, जी को यहाँ पे एक अलग एंगल बना के आते हुए, असाइन को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया। ओके, यहाँ विंटर वाइन भी यहाँ नॉक होते हुए। ओके, जी को टू ओपी यहाँ पे नॉक होते हुए करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लैक ऑप्स ईगल भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे पूरी टीम नंबर 12 एलिमिनेट होती हुई, पर टीम नंबर 10 को यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होता हुआ BZS दीपो है 2OP के रूप में। हम लोग टीम नंबर 8 पे चलते हैं। ओके, टीम नंबर 2 को देखते हैं एक बारी, ये टीम भी 3 मैन के साथ अभी चल रही है, इनके पास 4 किल्स। ओके, इनके आसपास अभी के लिए कोई भी टीम नहीं। ओके, टीम नंबर 8 टीम नंबर 7 के पास पहुँचते हुए, क्या यहाँ पे टीम नंबर 17 यहाँ पे कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकती है टीम नंबर 8 के लिए। टीम लियो, टीम नंबर 8 17 डेड बीस्ट की टीम है, एक अलग अच्छा फ्लैंक एंगल बना चुके हैं। ओके, XXTV। ओके, यहां पे नेट का ट्रेड होता हुआ, डेड बीस्ट बिग चिल भी एक अच्छा फ्लैंक एंगल बना के बैठे हुए हैं। देखते हैं यहां पे क्या XXTV यहां पे स्पॉट करते हैं बिग चिल को, या फिर बिग चिल यहां पे एग्जिट करते हैं XXTV को, ताकि दोनों ही प्लेयर्स एक फ्लाइंग एंगल में बैठे हैं। ओके, यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं, तो यहाँ पे इजिली नॉकआउट हो चुके हैं हमें। ओके, यहाँ पे डेड बीस्ट बिग चिल यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए, टीम नंबर 17 का एलिमिनेशन होता है एट द प्लेस 12। तो अब टीम नंबर 22, टीम नंबर 10, टीम नंबर 14, टीम नंबर 8 को भी सर्कल में जाना है। टीम नंबर 8 का पता नहीं किस पे स्प्रे कर रहे थे और गलती से स्प्रे हुआ, आई डोंट नो।
ओके टीम नंबर 22 सर्कल में जा रही है ब्रिज से, मिलिट्री वाली ब्रिज। ओके यहाँ पे एक BRDM का यूज़ करते हुए एलिमेंट ज़ीरो राइजिंग, आई थिंक इट्स हाँ एलिमेंट ज़ीरो राइजिंग है ये टीम। टीम नंबर 11 जो है वो है एलिमेंट ज़ीरो। अभी सारी टीम थोड़ी दूर है। ओके टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 8 एक दूसरे के काफ़ी करीब आते हुए, देखते क्या दोनों टीम से फाइट होता है। के आई थिंक लॉर्ड खौफ यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, बट आई थिंक सही है जिसके कारण निकलते हुए और पता नहीं टीम नंबर आई थिंक 8 यहाँ पे और नज़दीक आते हुए। आई थिंक ये फाइट में इंटरेस्टेड है ये टीम। टीम नंबर 8 के प्लेयर्स थोड़ा क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे एक प्लेयर को नॉक दे के। ओके इनके बाकी टीम नंबर 8 के बाकी के प्लेयर्स भी आते हुए, आई थिंक इट्स 4v3 और 3v4 बोल सकते हैं हम लोग। और अब पनिशर यहाँ पे यमराज को नॉक कर चुके हैं, यमराज को फिनिश भी कर देंगे। टीम नंबर 19 टीम नंबर 5 हो चुका है। ओके माइक अल्फांस थोड़ा सा डैमेज ले चुके हैं और अपन ईशर के द्वारा। ओके माइक अल्फा पे थोड़ा सा ट्रेड फायर कर रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं। यहाँ पे देखते क्या होता है, नॉक कर दिया है और अपन इसर यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉक दिखाते हुए माइक अल्फा भी नॉक होते हुए NFX हेलियोस बहुत। ओके यहाँ पे NFX हेलियोस यहाँ पे फिनिश होते दिखे। ओके यहाँ पे और अपन इसर भी नॉक हो गए थे, तो NFX क्रैंक अभी और अपन इसर को यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा। वही टीम नंबर 8 एक सैंडविच पोजीशन क्रिएट करते हुए टीम नंबर 2 पे। टीम नंबर 22 वहीं टीम नंबर 18 के पास पहुंचते हुए। टोटल 10 टीम्स अलाइव एंड 32-1 प्लेयर्स, मतलब एवरेज हर टीम से 3 प्लेयर अभी भी बचा हुआ है। टीम नंबर 2 के सामने टीम नंबर 11 एंड टीम नंबर 8 स्पॉट होता हुआ। आई थिंक टीम नंबर 11 के प्लेयर टीम नंबर 8 के प्लेयर को आई थिंक स्पॉट कर चुके होंगे और यहां से बैक स्टेप करने की कोशिश करेंगे। ओके यहां पे जोर को यहां पे स्पॉट कर लिया गया है इजेड लियो के द्वारा, दोनों टीम में एक एक लियो। ओके टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 8 का फाइट हो रहा है, वहीं पे देखते हैं क्या यहाँ पे लियो कुछ यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं इजेड के लियो। आई थिंक यहाँ पे प्लेयर्स करते हो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज पड़ा। DMR का अच्छा यूज करते हुए लियो। अब टीम नंबर 8 को ही पता। ओके यहाँ पे सेम XOP का M24 का तमाचा आता और लियो यहाँ पे नॉक होते हुए, तो मैं चलते टीम नंबर 8 पे वापस से जो कि टीम नंबर 2 से फाइट कर रहे थे। टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 4 टीम नंबर 8 पे फाइट होता हुआ। ओके ब्लैक ऑप्स ईगल एंड टीम नंबर 9 में फाइट होता हुआ यहाँ पे, तो मैं चलते हैं टीम नंबर 10 पे जिनका फाइट हो रहा है टीम नंबर 9 के प्लेयर से। के टीम नंबर 9 के लिए यहाँ पे आई थिंक गेट कीप किया जा रहा है। ओके बट वहाँ ही टीम नंबर 22 के प्लेयर का स्प्रे आता हुआ ब्लैक ऑप्स बाज पे। यहाँ पे वह सारे टीम्स बैक स्टेप होते हुए और सैंडविच होते हुए दिख रही है। क्योंकि सर्कल बहुत ही छोटा हो चुका है और अभी भी 10 टीम्स लाइव है और
28 गैस इस गुल्ली यहाँ पे व्हीकल बस डाउन होने से फिनिश होते हुए ओके यहाँ पे एक और व्हीकल बस कवर बनाते हुए टीम नंबर 10 के पे तो ओके यहाँ पे टीम नंबर 9 के पे यहाँ पे बैक स्टेप करते हुए और ब्लैक ऑप्स ईगल को नॉक कर दिया गया था इजेड फैंटम यहाँ पे नॉक होते हुए M416 से तो मैं चलते हैं टीम नंबर 11 पे जो कि टीम नंबर 8 से फाइट कर रही है टीम नंबर 11 को भी अभी सर्कल में आना है जो कि ओके इनके पास टाइम भी बहुत है और सर्कल सिर्फ 160 मीटर दूर के टीम नंबर 13 पहुंच चुकी है टीम नंबर 11 पे